हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम IBPS RRB क्लर्क 2020 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स का, उसका मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जो बाकी बचे क्वेश्चन है वह सेकंड पार्ट में लेकर के आऊँगे। इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन जो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे वो है DI के 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज का है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में हम अपलोड कर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को कम समय में कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। इसमें कहा गया है 50% ऑफ 24% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 6। देखिए 50% को हम हाफ लिख सकते हैं, ठीक। 24% को 24/100 लिख लीजिए, या फिर इसको काट के डायरेक्ट लिख सकते हैं 6/25 इज इक्वल टू 6। देखिए हम इसको ऐसे को काट सकते हैं, ये हो गया 12 टाइम्स में, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स में, यानी 2x/100, यानी 50 इधर, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई 50 इज इक्वल टू इधर 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। बस इसको आप 10 से 15 सेकंड में इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट ऑफ 400, सीधा है 20 + 5 + 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर 49। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन, इसको देखिए और आप आंसर मारिए, आसानी से आप सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 5 से 10 सेकंड में। चलिए अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 192 × 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर -256। देखिए 192 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, या तो आप इसको देखिए 819 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 76। इधर आ कितना जाएगा, ये 256 16 का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लीजिए आप तो कितना जाएगा 784 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये इधर के अंडर रूट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 84। देखिए इसको अगर ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते थे आप, इसको मान लेते आप 192 को 200 को 4 से मल्टीप्लाई करते, ऐसा होता है 800 में से आप 8 − 8 × 4 को माइनस करते 32। तो ऐसे भी आप मल्टीप्लाई जल्दी जितनी जल्दी आपसे हो सके उस तरह से आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 18 − 2 कितना जाएगा 16 + देखिए 1/2 हम इसको ऐसे लिखते हैं 2/4, क्योंकि जो अगला जो है हमारा डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। ये जाएगा कितना 27 + 16 कितना होगा 43 + 2 − 1 1/4 तो कितना जाएगा, देखिए डेसिमल दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 को 0.25 तो कितना जाएगा 43.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 + देखिए यहाँ पर दिया है 22 को डिवाइड करना है 0.25 से, इसको लिख सकते हैं 1/4, 1/4 में तो 4 ऊपर चला जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे 1/4 तो 4 चला जाएगा ऊपर इज इक्वल टू एक्स इंटू 28। 22 × 4 88, दोनों को ऐड कर लिए कितना जाएगा 112 / 28 चला जाएगा इधर इज इक्वल टू एक्स, इसको सॉल्व कीजिए 4 आ जाएगा, ठीक है 4 टाइम्स में कैंसिल आंसर आ जाएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 to the power 4 मतलब कितना होगा 16 × 3³ = 27, डिवाइड का साइन है 96। देखिए यहाँ डिवाइड का साइन दिया तो एक्स सपोज करते वहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, एक्स यहाँ जाएगा तो एक्स को हम यहाँ भेज देंगे इज इक्वल टू 18, डायरेक्ट हम क्यूब स्क्वायर रूट हटा दिए हैं। देखिए अब 9 से काट लीजिए इसको 9 3 टाइम में और 9 यहाँ पर 2 टाइम में, ये 3 है 32 टाइम्स, देखिए ये चला जाएगा इधर 2 टाइम्स में कैंसिल, एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा 2 चला जाएगा तो कितना होगा ये और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या दिया हुआ है, 8
फोर पूर्णांक 1/8 प्लस 6, इसको लिखते हैं 10 पूर्णांक 1/8 इंटू 16 इज इक्वल टू एक्स इंटू 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 81, 80 81 8 इंटू 16 इज इक्वल टू एक्स इंटू 9। देखिए दो से कैंसिल, 9 आ गया था, 9 टाइम कंटेंट 9 दूनी 18 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 484 को स्क्वायर रूट कितना जाएगा, 22 प्लस रूट अंडर एक्स। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 2304, तो कितना हो जाएगा ये, इसको कैसे निकालें, देखिए या तो इसमें ये याद नहीं होगा तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, या तो 2 होगा लास्ट का डिजिट, 4 होगा लास्ट, हो गया लास्ट अंतिम के या तो स्टार्टिंग के दो डिजिट देखते हैं, कितना है 23, 23 से पहले का नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा कितना होगा 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 4, मतलब या तो 42 होगा इसका स्क्वायर रूट या तो 48 होगा। तो इसको देखिए, इसके नंबर में आता है 45, 45 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए तो जब भी किसी भी डिजिट के लास्ट में 5 होगा तो 5 का स्क्वायर 25, और इसके जो बाद वाले होगा फर्स्ट नंबर उसका एक नंबर बढ़ा के, यानी 4 है तो 5 पर रहा के दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी कितना होगा 2025, 45 का स्क्वायर 2025 होता है, यहाँ पर 2304 है, यानी कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 48 हो जाएगा। तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके और भी स्क्वायर निकालने के तरीके हैं, लेकिन आपको अगले कई वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसको बता दूंगा। ये हो जाएगा आपको 48, ये चल जाएगा इधर कितना होगा 26, 26 का यहाँ पर रूट अंडर एक्स के हो गया 26, स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा ये 676। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 पूर्णांक 2/3, इसको कैसे लिख लेंगे हम, 12 दो 14/3 इंटू 2/7 इज प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। देखिए दो बार में कैंसिल, कितना होगा 4/3, एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा 9 माइनस 4/3। देखिए यहाँ पर दिया हुआ आंसर है, पूर्णांक पूर्णांक में निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, हम देखिए इसको ऐसे देख सकते हैं क्या, 9 माइनस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 को, तो ये कितना होगा 8 माइनस माइनस 1/3। देखिए तो ये जो पूर्णांक में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस में लाना पड़ेगा, एक और इसको हम दे देते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं, इसे इसको लिख लेते हैं हम 7 प्लस 1 माइनस 1/3, तो ये कितना होगा 2/3, यानी 7 पूर्णांक 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, 299 डिवाइड करना है 13 को, कितना हो जाएगा आपका आंसर, 13 से काट लिए 13 दूनी 26, 13 39 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस कर लीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, हम 135 को मान लेते हैं, यानी इसमें हम 8 दे देते हैं, 27 में 135 हो गया, 135 में 35 कितना होगा 100, एक्स्ट्रा हम 8 दिए थे 8 माइनस कर लेंगे, तो ये सब आपको ऑरली करना है, 92 आ जाएगा माइनस करने के बाद। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 4225 डिवाइड करना है x प्लस 17 से इज इक्वल टू 13 इंटू 13। देखिए इसको हम डिवाइड कर लीजिए, इसको पहले 13 से 3 बार में 39 बचेगा 3, 32 होगा 13 दूनी 26 बचेगा फिर 6, 13 पाँच 65, फिर 13 से काट लीजिए 13 दूनी 26, 13 पाँच 65, यानी कितना हो जाएगा x प्लस 17 का वैल्यू 25, तो एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2^4 मतलब ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 27 डिवाइड बाय 96। सर ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा चुका हूँ, पीछे रिपीट हो गया है, चलिए इसको स्किप करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अब एक्स इंटू 450 तो x परसेंटेज है ये, इसको मैं से लिख दें 450 बाय 100 इज इक्वल टू, इसको ले जाइए इधर माइनस कर लिए एक ही बार में। देखिए पहले 2100 में 1700 माइनस कीजिए कितना होगा 400, फिर 40 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 360।
बस बात खत्म, ये हो गया। 5 से काटिए 2, 9, 9 से 4 बार में 36, मतलब 40 आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से आपको स्मार्ट वे में सॉल्व करना है, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए अब डी आई क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। डी आई है एक, सॉरी बार ग्राफ है ये, हम नीचे पीछे बताया था पाई चार्ट है, ये एक बार ग्राफ है। बार ग्राफ के डी आई को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, एक टीवी शो है, एक मतलब 5 फैमिली दिया हुआ है। देखिए रीड डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द बार ग्राफ विहन ब्लू शो द नंबर ऑफ द टीवी शो वॉच्ड बाय 5 डिफरेंट फैमिली। देखिए फैमिली ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। इसमें एक मंथ में ए में कितने शो देखता है, बी के फैमिली कितने शो देख सकता है, सी के, डी के, ई के, सभी को दिया है। पूछा गया है व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ टीवी शो वॉच्ड बाय 5 फैमिली टुगेदर इन द मंथ। तो देखिए सभी फैमिली जो देखता है उसका आपको सम निकालना है। देखिए ए कितना देखता है, 28 है, बी कितना देखता है, 24, सी देख लेता है 20, आपका डी देखता है 25 और ई देखता है 35। देखिए सब आपको ओरली ऐसे नहीं कि इसको लिखना है एग्जाम में, आपको सिर्फ मन में ही जोड़ते चलना है। 28 24 जाएगा 52, 52 को 20 ऐड कर देंगे 72, 72 और इसको कितना बोलेंगे हम 60, तो 72 प्लस 60 ऐड कर देंगे कितना 132 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब क्वेश्चन पेपर के यहाँ पर यूज नहीं होना चाहिए, ओरली आपको सॉल्व करना है। काफ़ी बहुत आसान डाटा दिया हुआ है, आप सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ द टीवी शो वॉच्ड बाय ए एंड सी। देखिए ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 प्लस एंड द डिफरेंस ऑफ द बी एंड डी, बी और डी के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। दोनों का सम पूछा गया कितना हो जाएगा, 8 8 9। बस अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ द टीवी शोज वॉच्ड बाय सी ए एंड बी। ए सी बी यानी ए बी सी का एवरेज निकालना है। ए कितना है, 28, 28 ये हो गया, 24 ये, और ये हो गया कितना, 20। देखिए आपको ऑरली सॉल्व कीजिए, 28 प्लस 24 52 प्लस 20 कितना जाएगा, 72। इसका एवरेज निकालना है 3 से, यानी कितना हो जाएगा ये 24। ठीक है, रेशो निकालना है डी और ई के टू द एवरेज ऑफ द डी और ई, डी और ई 25 प्लस 35 कितना जाएगा, 60। 60 का एवरेज 2 दिया है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 30 काट दीजिए, 6 रेशियो 5, सॉरी 6 से डिवाइड करेंगे 6 और 4, ये 4 रेशियो 5 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ द टीवी शोज वॉच्ड बाय फैमिली बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन। देखिए टीवी शो पूछा गया है बी का, बी का टीवी शो कितना देखता है, तो 24। इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द डिफरेंस ऑफ द टीवी शो वॉच्ड बाय डी एंड सी। देखिए डी और सी के बीच का डिफरेंस कितना है, पहले देखिए 5 5 है, ये पूछा गया है ये जो बी है कितने परसेंट ज़्यादा देखता है, तो कितना परसेंट हो जाएगा ये 19 बाई इतना, इतना 19 ज़्यादा है इंटू 100, इसको परसेंटेज निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 10 1 10, कितना होगा 380 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द टीवी शो वॉच्ड बाय फैमिली ए एंड सी, ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, ये हो गया 20, ये हो गया 28, तो 8 डिफरेंस है। इज व्हाट परसेंटेज सम ऑफ द टीवी शो डी एंड ई, तो डी ई के सम कितना हो जाएगा ये 60 इंटू 100, पाव को परसेंटेज निकालना था बस निकाल दीजिए, 0 0 कैंसिल, 4 इन 40/3%, इसको पूर्णांक कन्वर्ट करिए कितना होगा, 13:1/3। अगला क्वेश्चन है, अब ये था 5 क्वेश्चन था डी आई का, डी आई को आपको सॉल्व करते हैं वो देख लिए। अब है आपका नंबर सीरीज, तो देखिए आपको नंबर सीरीज में पहले नंबर दिया हुआ 3, उसके बाद 36, उसके बाद 86, उसके बाद आपका 167 दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या फर्स्ट टाइम में कितना ऐड हुआ है, प्लस 9 हुआ है, फिर सेकेंड टाइम देखिए कितना ऐड हुआ है, 25। ठीक है, देखिए 3 का स्क्वायर 5 का, आगे देखते हैं कितना ऐड हो रहा है, 49,
प्लस 49, तो पैटर्न समझ आ गया होगा, 3 5 7 का स्क्वायर तो आगे हो गया 9 का स्क्वायर यानी 81 ऐड हो गया है, फिर आगे यहाँ 81 ऐड हुआ तो आगे कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर यानी 120 एन इसमें ऐड कर दीजिए। 120 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 8 और 288 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सीधा सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है 0.5 फिर 1 4 6, देखिए इसमें क्या रहा है अब मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि आगे बहुत बड़ा नंबर बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई होकर कही गया, देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, फिर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया है, आगे कितना होगा 4 को 24 लाने 6 से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 2 4 6 तो आगे कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, 24 से 8 को मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ 100 है फिर 119 है फिर 81 है फिर 38 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, आगे क्या आएगा। देखिए यहाँ पर पहले बढ़ा फिर घट गया, फिर बढ़ा फिर घट गया, देखिए यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़, 181 होगा मतलब माइनस का 19 हुआ है, फिर देखिए यहाँ पर प्लस का 19 हुआ है तो फिर ये कितना जाएगा माइनस का 19, मतलब 81 में से 19 को माइनस कर लिया आपका आंसर जाएगा 62। ठीक, यहाँ पर देखिए 1.1 क्वेश्चन मार्क 3.9 5.6 7.5, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको 1.3 × 3 4.6 को ले सकते हैं, फिर 5.6 को 1.4 × 4 ये सोचते हैं 15 1.5 × 5, ठीक है तो इस तरह से चल रहा है, मतलब यहाँ पर हो गया क्या 11 ले सकते हैं 1.1 × 1, ठीक है तो इसके आगे क्या हो जाएगा 1.2 × 2 मतलब कितना होगा 2.4, इसको या तो ऐसे निकालिए फिर इसको देखिए डिफरेंस करके भी निकाल सकते हो, दोनों आंसर सेम ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर 7 है यहाँ पर 15 हो गया, फिर देखिए डबल हो जा रहा है, यहाँ पर 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है प्लस 1 कितना हो जाएगा 14 1 15, फिर 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 तो बस यही पैटर्न है, तो 31 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 62 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा आपके पास 63 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने लगभग इसमें 25 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व किया है, 25 या फिर 22 23 के आसपास आपने सॉल्व किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।